बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम को लेकर बीजेपी और संघ के नेताओं की बैठक हुई। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बुरी खबर आई जब लालजी टंडन ने राज्यपाल बनने से कर दिया इनकार। भाजपा और आरएसएस नेताओं के बीच चली चार घंटे की माथापच्ची के बाद अमित शाह की नई टीम बनाने का रास्ता आज साफ हो गया है। साथ ही साथ आरएसएस ने मुरलीधर राव के बाद में शिव प्रताप और राम माधव जैसे नेताओं को भेजकर साफ कर दिया है कि अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश अपना और बढ़ाएगा, यानी कि अमित शाह को किसी भी कीमत पर आरएसएस फ्री हैंड देने वाली नहीं है। इसके साथ ही आरएसएस ने चार राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भाजपा से साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएं, यानी कि भाजपा कहीं पर भी अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेगी। साथ ही साथ कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने हैं, उन नामों पर भी आज चर्चा कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ नेताओं को अपने घर डिनर पर भी बुलाया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।